बाढ़ की मार के बाद अब लोगों को अब सब्जियों की महंगाई पस्त करने जा रही है। एक तरफ जहां देश के अलग अलग हिस्सों की तरह यहां भी टमाटर के भाव आसमान छू रहा है, वहीं अन्य सब्जियों के दाम में आग लगी है। सब्जी की दुकानों पर टमाटर के अलावा हरी सब्जियों के दामों में इस दौरान खासा इजाफा हुआ है। शहर की मंडियों में हर दिन सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका असर सीधे तौर पर लोगों के बजट पर पड़ रहा है। साथ ही दुकानदारों की माने तो आने वाले 7 दिनों में सब्जियों के दाम ऐसे ही रहने की उम्मीद है। वहीं शहर में सब्जियों की महंगाई का एक बड़ा कारण गंगा यमुना की बाढ़ भी थी, जिसने सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंचा दिया है। वहीं सब्जी मंडी के व्यापारियों का कहना है कि गंगा यमुना किनारे हरी सब्जियों की खेती बाढ़ के पानी में डूबने के कारण स्थानीय सब्जियां बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते सब्जियों के दामों में काफी इजाफा हुआ है। साथ ही कुछ दिनों तक ऐसे ही सब्जियों के दामों में इजाफा होने की उम्मीद है। बाढ़ के कारण सब सब्जियां, हरी सब्जियां सब गंगा यमुना में डूब गया, इसी कारण हवा कम हो गया, इसी कारण हरी सब्जियां का रेट महंगा हो गया है। जहाँ 10 बिकता था वहाँ आज 25-30 का थोक रेट हो गया, 25 रुपये 22 रुपये फुटकर में जो ले जाएंगे वो 40 रुपये 30 रुपये बेचेंगे। टमाटर 500-600 बिकता था, वहाँ 900-800-1000 बिक रहा है। विवेक कुमार कुशवाहा। देखिए, हरी सब्जियों में जो उछाल आया है, कुछ सब्जियों में आया है, जो गंगा और यमुना के जो बाढ़ के चपेट में आया उसके तो दाम बढ़ गए, इसलिए माल सब डूब गए काफ़ी हद तक। जैसे हमारे यहाँ सोवा, मेथी, धनिया, आपका कद्दू, करेला, लौकी सब डूब गया इस क्षेत्र में। गंगा की तराई में हरी सब्जियाँ ज़्यादा इस समय पैदा होती है, तो लगभग हमारे ख्याल से 70% सब्जियाँ डूब गई हैं, जिनमें कद्दू, धनिया, पालक, करेला, भिंडी, नेनुआ, तरोइया, ये मेन है। ये सब्जियाँ तो आज के डेट में जो है, तो हमारे यहाँ देखिए नेनुआ का महंगाई हो गई, जो 8 रुपये किलो नेनुआ था वो 20 रुपये किलो हो गया। और कद्दू हमारे यहाँ पहले बिक रहा था 5 रुपये किलो, आज के डेट में 10 रुपया 11 रुपये हो गया। टमाटर बंगलौर में बहुत तेज़ी आ गई, बारिश से टमाटर सब खराब हो गया। अभी हाल में इस हफ्ते वहाँ बहुत भारी वर्षा हुई है, इसलिए टमाटर की तेज़ी आ गई। आज हमारे यहाँ टमाटर 700-800 कैरेट का एकदम जस्ट 200-300 रुपये कैरेट का दाम भाग गया। और अभी उम्मीद है कि कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन तक तेज़ी बनी रहेगी टमाटर में, अभी बाज़ार नहीं गिरेगा। बाज़ार में सामने जो चीज़ें डूब गई हैं वो माल कम आ रहा है, जो ऊपरी क्षेत्र में है वो तो आ रही हैं, जो निचली क्षेत्र में थी वो डूब गई, वो ख़राब हो गई हैं। और इसमें किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ, पूरे क्षेत्र जितना क्षेत्र डूबा है। सतीश कुमार कुशवाहा, फल सब्जी व्यापार मंडल, प्रयागराज मंडी।